डियर स्टूडेंट्स, क्लास फाइव चैप्टर थ्री सब्जेक्ट मैथ। टुडे आई एम टीचिंग यू रीमेन पार्ट्स रीमेन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर थ्री। एक्सरसाइज 3.8 वाले देखिए, इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2496 बैलून्स वेयर डिवाइडेड अमॉन्ग 48 चिल्ड्रेन। मतलब 2496 बैलून्स को हमें बांटना है कितने चिल्ड्रेन के बीच में, 48 चिल्ड्रेंस के बीच में। हाउ मेनी बैलून डिड ईच चाइल्ड गेट, प्रत्येक चाइल्ड कितना बैलून पाएंगे ये निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिखेंगे, ईच चाइल्ड गेट बैलून इक्वल टू इसको डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे टोटल बैलून्स इक्वल टू बैलून्स इक्वल 2496। कितने स्टूडेंट के बीच में बांटना है, चिल्ड्रेन के बीच में 48। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इक्वल टू 48 लिखेंगे, 48। नंबर ऑफ बैलून Each child get equal to 2496 by 48। तो मान लीजिए यहाँ नहीं कट रहा है, आपको डायरेक्ट करने में यहाँ 48 से 2496 में डिवाइड कर दीजिए। तब यहाँ दो डिजिट लेंगे, यहाँ दो डिजिट है तो यहाँ भी दो डिजिट लेंगे, तो 24 हो जा रहा है। 24 तो 48 से छोटा हो जा रहा है, तो 3 डिजिट लेंगे, 249 हो गया। तो 48 के टेबल में देखेंगे उससे कम कितना मिल, 5 बार में 8 है जब 40 8 बार जब 40 का 5 बजे 20 आपको 24 9 बचा कट गया। अब 6 उतरा, 2 बार में 96, यानी इसका आंसर हो जाएगा 52। यानी कि चाइल्ड कितना प्राप्त करेंगे बैलून, 52 बैलून, कितना बैलून 52। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों इसी तरह से सॉल्व होगा। उसके बाद कम्युलेटिव रिवीजन एक्सरसाइज हो गया। अब कम्युलेटिव रिवीजन यानी सी या कम्युलेटिव रिवीजन में कम्युलेटिव रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन इसका ए नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इसका सम निकालना है। ए नंबर का वन क्वेश्चन देख लीजिए, 38251 19612, इसको प्लस कर देना है। सम मतलब योगफल निकालना है, 213516628987 का 7 और 3141 5। ये हो गया फर्स्ट आंसर, ए नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। बी में देखिए, फाइंड द मिसिंग डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो बी में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मिसिंग डिजिट निकालना है ईच ऑफ द फॉलोइंग में। तो बी नंबर का वन क्वेश्चन देखिए, बी के वन में 52 box 84 box 0 3 6 7, यहाँ अब 1 लिखेंगे, यहाँ बॉक्स है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ बॉक्स है, उसके बाद 8 है, यानी मिसिंग नंबर। यहाँ प्लस का सिंबल है, यानी इसमें जहाँ जहाँ बॉक्स है, जहाँ डैश है, वहाँ पर मिसिंग नंबर लिखना है। तो यहाँ आप ऐड शुरू करेंगे, 7411 का 1, कैरी 1 बचा, 8614 1 15 का यहाँ 5 लिख देंगे, फिर क्या बचा, 1 बचा। यहाँ कह रहा है कि आपको 0 लाना है, यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7, 1 कैरी कटाएंगे 6, यहाँ 6 भर देंगे
यानी हमको आ जाएगा 691 कैरी, यहाँ का जोड़ेंगे तो 10 यानी 0 आ जाएगा। अब 2 और 0 जोड़ना है तो 2 आएगा, कैरी इसमें का 1 जोड़ेंगे 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ 5 है और बक्स है तब 8 लाना है, 8 लाना है तो यहाँ 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 3 8 हो गया। बस इस तरह से मिसिंग नंबर हम लिख देंगे। बी नंबर क्वेश्चन हो गया। सी नंबर देखिए, इसी में क्या सी नंबर क्वेश्चन का 1 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना होता है, घटाना है सबको। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 8 5 1 9 3 5 6 0 5 सब क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन बता देते हैं सब टाइपर से, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग बना दीजिएगा। 9 में से 5 गया 4 1, 15 में 6 गया 9, 7 में 5 गया 2, यहाँ हो गया 4 में 3 गया 1। उसके बाद डी नंबर में भी मिसिंग नंबर, इसमें भी मिसिंग नंबर लिखना है। फाइंड द मिसिंग नंबर्स, यानी वहाँ ऐड पर मिसिंग नंबर लिखना था, यहाँ सब्ट्रैक्ट पर मिसिंग नंबर लिखना है। फाइंड द मिसिंग नंबर में पहला क्वेश्चन है 4 7 5 box 3, नीचे हो गया 1 2, उसके बाद बॉक्स 8 1 माइनस ऑफ सिंबल देंगे, फिर यहाँ मिसिंग नंबर 2 3 9 8 बॉक्स, यानी 3 में से 1 गया 2 यहाँ हो गया, अब यहाँ 3 है यानी ये 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 9 लाना है तो यहाँ 6 भर देंगे, 15 में से 6 गया 9, अब यहाँ हो जाएगा यहाँ एक कैरी दिए तो नहीं 15 होगा, 15 में से 6 गया 9 हो गया, 6 हो गया तो यहाँ से कैरी लेंगे 16 में से 8 गया 8, अब यहाँ से कैरी ले लिया 3 में से 1 गया 2, ये मिसिंग नंबर इस तरह से हम भर देंगे। तो यानी डी तक हो गया आपका। ई नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा है, ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन है ई का, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2028 × 264, इसको कॉलम मेथड में लिख कर तब मल्टीप्लाई करेंगे, 2028 264, इसको मल्टीप्लाई अब करेंगे, 8 4 32 का 2, कैरी 3 4 2 8 3 11 का 1, यहाँ 4 0 गुना तो किसी भी नंबर में 0 से गुना करने पर 0 आता है तो 0, अब 1 कैरी जो बचा है उसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद 4 2 8 8 6 48 का 8, कैरी बचा 4 6 2 12 4 16 का 6, कैरी 1, 6 0 गुना करेंगे 0 और कैरी 1 जोड़ेंगे 1। उसके बाद 6 2 12, उसके बाद फिर एक डिजिट जो छोड़ कर लिखेंगे, जैसे 4 से गुणा किए तो पहला लिख दिए, जितना फोटो 4 से करना पड़ा, उसके बाद 6 से करेंगे तो एक डिजिट इधर से राइट साइड से छोड़ के तब लिखेंगे। उसके बाद 8 2 16 का 6, कैरी 1, 2 2 4 1 5, उसके बाद 2 0 का गुणा करेंगे तो 0, यहाँ कैरी कुछ नहीं है 2 2 4। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे 2 9 6 12 1 13 5 1 6 8 6 14 1 15 2 4 1 5, ये आ गया इसका आंसर। अब यहाँ राइट का मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर लिखना है हम लोग को, देखिए एफ नंबर में मिसिंग नंबर लिखना है 960 = box × 12, यानी 12 में 960 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ इंटू में ये है कि इसको डिवाइड कर देंगे, 12 में 96 यानी 80 आ जाएगा,
यहाँ 80 भर देंगे, बस हो गया। मिसिंग नंबर इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी, इसमें कहा फाइंड द क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर इफ एनी इन ईच केस, अगर रिमाइंडर बच रहा है किसी भी केस में तो उसको लिखना है। जी नंबर क्वेश्चन में डिवाइड करके क्वाड्रेंट और रिमाइंडर लिख देना है। 2991 डिवाइडेड 24, यानी 24 से हमको डिवाइड करना है इतना में 2991 में, तो 29 दो डिजिट लेंगे, 24 है तो यहाँ दो डिजिट लेंगे तो 29 हुआ, तो वन बार में 24 ये 5 बचा एक कट गया। अब 9 ऊपर से उतरेगा तो 59 हो गया, 2 बार में 48 इससे कम आएगा तो ये हो गया 1 1। अब यहाँ 1 उतरेगा तो 24 5 जा 1 20 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में 96, यानी 4 बार में यहाँ 96 लिखेंगे। 11 में से 6 या 5, 10 में से 9 जाएगा 1, यानी यहाँ क्वाड्रेंट हो गया तो आपका क्वाड्रेंट हो गया 124 और रिमाइंडर हो गया 50। क्वाड्रेंट और रिमाइंडर लिखना है, यहाँ हो गया। उसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी डिवाइड द फॉलोइंग, एक नंबर में डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर, क्वाड्रेंट और रिमाइंडर इसमें भी निकालना है, इसको भी डिवाइड कर देंगे या क्वेश्चन एंड रिमाइंडर लिख देंगे। बस एच तक आप लोगों का क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव डिवीजन में, एच नंबर का भी एक क्वेश्चन बता देते हैं, इसके अनुसार आप लोग एक्सरसाइज बना लीजिएगा। एच नंबर हो गया एच का 1 5291 डिवाइडेड 10, यानी 10 से हमको इतना में डिवाइड करना है, तो 5291 10 5 का 50, 2 बचा ये कट गया, 9 आया यहाँ 2 बार में 29 बचा, 1 उतरेगा ऊपर से तो 10 9 जा 90, 1 बचा ये कट गया। क्वेश्चन हो गया 529 और रिमाइंडर हो गया 1, यानी कम्युनिटी डिवीजन से सब में से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को हम समझा दिए और उसके बाद 3.8 का समझा दिए। तो डू एक्सरसाइज होमवर्क में 3.8 एंड सी आर कम्युनिटी डिवीजन 3 कंप्लीट योर होमवर्क, योर होमवर्क विल बी चेक आफ्टर ओपन योर स्कूल।